स्टूडेंट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि जो भी पढ़ा है वो भूलते जाते हैं, और स्पेसिफिकली थ्योरी सब्जेक्ट। सो चेक करते हैं कि आपने यहाँ से थ्योरी पढ़ा है तो आपका क्या ओपिनियन है कि जो पढ़ा हुआ है वो भूल जाते हैं क्या? आप क्या बोलेंगे? हमारे यहाँ पे थ्योरी सब्जेक्ट्स को चार्ट बुक्स प्रोवाइड किए जाते हैं, जो कलर नोट्स होते हैं उसकी वजह से जो हेड पॉइंट्स है या उसके अंदर की जो थ्योरी है वो जल्दी से हमें याद रहती है, और वो लॉन्ग टाइम के लिए याद रहती है क्योंकि हम एक साथ बोलते हैं, तो उससे वजह से हमारी जो अलोननेस में जो हम पढ़ते वो याद नहीं रहता, लेकिन मॉब के साथ जो बोलते हैं वो हमें याद रहता है ज़्यादा दिनों के लिए। अच्छा, आपने एक क्लास ज्वाइन करने से पहले एक स्टडी का ट्रेडिशनल मेथड होता है कि हाँ टीचर आया पढ़ा दिया, फैकल्टी आई पढ़ा दी और आप पढ़ के चले गए, लेकिन यहाँ आपको क्या अलग नया मिला? आप बोल रहे थे उसी के बारे में बताइए। हाँ, क्योंकि हमारा टीचर्स के साथ इंटरेक्शन बहुत अच्छे से होता है और जिसकी वजह से हम फ्रीली डाउट्स वगैरह भी क्लियर करवा सकते हैं, और जो थ्योरी पढ़ाते हैं वो लॉन्ग टाइम के लिए हमारे मेमोरी में फिट हो जाती है। आप भी भूल जाते हो क्या? आपके साथ प्रॉब्लम ऐसा हुआ करता था पहले? पहले हुआ था, अभी बिल्कुल नहीं होता, मुझे सब याद रहता है जब से। और जो मेन है ना वो चार्ट बुक के वजह से जो प्रोवाइड किया है वो, उससे जो होता है ना इम्पैक्ट इतना अच्छा पड़ता है कि सब पेपर में इतने फ्लो में याद रहता है कि इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है कि नहीं ये तो आने वाला है। ओके अच्छा, मैं भी बहुत बार क्लास में बोलता हूँ कि दम हो तो भूल के दिखाओ, तो ऐसा है क्या पॉसिबल? हाँ। रात को 3 बजे आपसे क्वेश्चन उठा के पूछूँ तो आप आंसर दे पाओगे? हाँ। किसी भी टॉपिक का? हाँ, वो चार्ट बुक्स कैसे दे पाओगे? चार्ट बुक्स वो सब रिवाइज इतने बार हो चुका है अभी क्लास में, कंटिन्यूस रिविजन्स और मॉप के साथ वो सब कुछ होने के इसलिए वो याद रहता है। चलो एक दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं, जनरली ये सभी का आंसर है। अच्छा, किसको किसको लगता है कि ये, वो हैंड रेस करके बताना, हमारा पढ़ाया हुआ थ्योरी लेक्चर दम है तो भूल के दिखाओ, कौन कौन एग्री है? वेरी गुड। चलो एक नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं कि थ्योरी क्लास लगानी चाहिए कि नहीं लगानी चाहिए, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन रहता है। तो नॉन बहरे स्टूडेंट या कि आप भी ज्वाइन करने से पहले काफ़ी लोग का रहता है कि थ्योरी की क्लास कौन लगाता है, आप उनको क्या आंसर देना चाहते हो, कौन बताएगा? आप दोगे? जनरली थ्योरी में ऐसा बोला जाता है कि कॉलेज में पढ़ाया जाता है और फिर उसमें वो सेल्फ स्टडी से भी कर सकते हैं, तो फिर क्लास लगाने की क्या ज़रूरत है। बट देन बहरे में ये होता है कि हर लेक्चर में हर टॉपिक को क्लैरिटी से एग्जांपल्स के साथ पढ़ाया जाता है, उसके बाद उसके आंसर्स रिटेन भी किए जाते हैं हर लेक्चर में, तो उसकी वजह से वंस यू आर इन द लेक्चर उसके बाद बाहर जाते वक्त यू नो द आंसर्स एज वेल बाय हार्ट, सो वो एक एडवांटेज है, तो इसके लिए क्लास लगाना चाहिए। गुड, तो आपका स्ट्रांगली रिकमेंडेशन है कि यदि आप भी नहीं लगाते तो क्या होता आपके साथ, आप क्या आज इमेजिन कर पाते हो? आज आपने ठीक है पूरी थ्योरी क्लासेस लगाई थी, आपने स्टडी कर लिया, क्या आज आप अपने आप को ऐसा देख पाते हो कि इनकेस एक नॉन बहरे स्टूडेंट या आपने नहीं लगाया होता तो आपकी क्या आज स्टेज होती? आज मुझे 10 बार वही रिवाइज करना पड़ता, हर एग्जाम से पहले वही रिवाइज करना पड़ता, और क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट का मुझे डाउट है कि मैं खुद से कर पाती। अच्छा, तो आप मानते हो कि मतलब कि एक एडिशन इनपुट मिलता है क्लासेस में, और मेन है आपका भी फोकस था कि आंसर रिटेन करने में। आंसर रिटेन करने में हमने ऐसा क्या क्या किया क्लास में? सब लोग एक साथ आंसर्स बोलते हैं, उसके हेड पॉइंट्स हम लोग मेमोराइज करते हैं, मेमोरी टेक्निक्स जो दिए जाते हैं क्लास में उससे, और हाँ उससे याद होते हैं। अच्छा, मैं एक क्वेश्चन सबसे पूछूं, जो भी थ्योरी लेक्चर्स में है तो आंसर दे पाएंगे क्या, देखते हैं। नहीं, कैसे टाइप की मेमोरी टेक्निक्स होती है? सबसे पूछे व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। एक बार और, तो ये सब क्या है टेट पिक्स पावना? नॉन बहरे स्टूडेंट इसको समझ पाएगा क्या? नो, कभी भी नहीं। क्या सिर्फ हमारे कलर नोट्स लेने से कुछ हो पाएगा क्या? नहीं। चलेगा, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कि आपको कलर नोट्स के बारे में आपको कुछ ऐसा आइडिया था कि क्लास के पहले आपने ज्वाइन किया था तो आपको लगा था कि ऐसे कुछ कलर नोट्स हमको मिलेंगे और पूरा इतना मेजर सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स OCM SP जैसे थ्योरी सब्जेक्ट्स है जो वो आपके हार्डली 10 to 12 पेज 15 पेजेस में कवर हो पाएंगे, कभी इमेजिन भी किया था आपने? नहीं, कभी इमेजिन नहीं किया था क्योंकि पहले थियोरी सब्जेक्ट रहते तो हम लोग रटते थे कि ये नहीं आता है तो रट के ही जाएंगे वगैरह, अभी मेमोरी टेक्निक्स की वजह से और चार्ट बुक्स की वजह से वो ईजी होता है, रटने का काम नहीं होता है। ये कल CA फाउंडेशन का रिजल्ट भी आया हुआ है और इकोनॉमिक्स भी 12th की इकोनॉमिक्स एज इट इज़ रहती है, तो ये काफ़ी स्टूडेंट 12th की इकोनॉमिक्स के साथ भी पढ़ते हैं और इवन हम बोलते हैं कि 12th की इकोनॉमिक्स 12th CA फाउंडेशन में भी रहती है, आगे चल के आप MPSC करें, UPSC करें, कोई भी एग्ज़ाम दे तब भी आपको ये 12th की इकोनॉमिक्स काम आती है, तो इसके ऊपर कौन आंसर देगा? तो आपको क्या लग रहा है क्या CA फाउंडेशन में आपको हेल्प हो रही है?
हाँ हो रही है, क्योंकि वो टॉपिक्स मोर और लेस सेम ही होते हैं, जस्ट उनके एडवांसनेस चेंज होती है। ट्वेल्थ में बहुत सिंपलर फॉर्म में होता है, सीए फाउंडेशन में थोड़ा डीप होता है, इस बट मोर और लेस वो कोर कंसेप्ट सेम ही रहता है। अच्छा, आपने डिटेल में इनकेस नहीं स्टडी किया होता इकोनॉमिक्स को अपने ट्वेल्थ में, तो क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं आपको डिफ़िकल्टी जाती सीए फाउंडेशन में? हाँ, सीए फाउंडेशन में थोड़ी डिफ़िकल्टी जाती, क्योंकि ट्वेल्थ में इकोनॉमिक्स के सारे कोर कॉन्सेप्ट्स क्लियरली सिखाए गए हैं, अगर वो वहाँ पर क्लियर नहीं होता तो शायद सीए फाउंडेशन डिफ़िकल्टी जाती। चलो अब मैं एक ओवरऑल ओपिनियन सबसे पूछता हूँ। अच्छा, आप क्या शेयर करो? सर, हम जो सीए फाउंडेशन में इकोनॉमिक्स है वो ट्वेल्थ का ही है इन डेप्थ, लेकिन जो हमने बहरे के थेरी सेक्शंस ज्वाइन किए उसकी वजह से समटाइम्स जो हम एमसीक्यू टेस्ट देते हैं तो उसमें हेल्प हो जाती है, क्योंकि हमने चार्ट बुक से पढ़ा वाला रहता है कभी कभी इन डेप्थ में। अच्छा, बहुत बार स्टूडेंट हमारे पास भी आते हैं कि इवन बीकॉम बीबीए में करते रहते हैं और बोलते हैं सर आप लोग की थ्योरी पढ़ाई हुई आज तक हमको याद है, जिस प्रकार से आप मेमोरी टेक्निक्स बोलते हो आज भी याद है, तो आपको क्या लगता है जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी याद रहेंगे आपको? सो आपका क्या ओपिनियन है? कुछ लोग ये भी बोल रहे थे बीच में कि यदि थ्योरी लेक्चर बहरे क्लासेस में नहीं लगाते तो जिंदगी की वो सबसे बड़ी गलती होती, तो ठीक है ये सब आपके आपके वर्ड्स हैं, अच्छा लगता है सुन के, लेकिन अभी और कोई ऐड करना चाहेगा? आप क्या ऐड करना चाहोगे? हमारे इधर थ्योरी लेक्चर के साथ जो सर और मैम जो हमें पढ़ाती है वो अब चार्ट बुक्स तो दिए हैं पर उन्हें कैसे पढ़ना है ये भी सिखाया जाता है, इससे हमें फ़ायदा होता है कि वो कैसे पढ़ते हैं एग्ज़ाम के टाइम और उससे कैसे याद रखना है मेमोरी टेक्निक से, तो वो ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है। और ये एक और है, यदि जल इनकेस किसी को मालूम पड़ा कि ऐसा चार्ट बुक है और मेमोरी टेक्निक, क्या फिर डिटेल में नहीं पढ़ाते क्या? ऐसा भी कुछ है क्या कि हम डिटेल में पढ़ा रहे हैं, क्या हो रहा है? डिटेल में भी पढ़ाते हैं, बुक से भी पढ़ाते हैं पहले, और उसके बाद वो चार्ट बुक कैसे पढ़ते हैं ये भी सिखाते हैं, इसलिए दोनों का काम हो जाता है कि बुक में जो कंटेंट है वो भी पता चल जाता है और चार्ट बुक में जो कंटेंट है वो भी पता चल जाता है। एक सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम आता है स्टूडेंट को कि सब कुछ स्टडी कर लिया है और लास्ट मिनट रिवीजन वन डे में एग्ज़ाम के पहले, आप कितने बार वो एक सब्जेक्ट को रिवाइज करके जा सकते हो? तो हमारे चार्ट बुक के कारण आप बताइए कि कितने बार आप रिवाइज कर लोगे? चार्ट बुक है जो वो शॉर्ट फॉर्म में है, तो अब हमें टेक्स्ट बुक में अगर 100 पेजेस है तो चार्ट बुक के सिर्फ एक 10 या 17 पेजेस है कुछ, तो वो 17 पेजेस हम किसी भी वक्त कभी भी रिवाइज कर सकते हैं, तो हमें एक 20 या 30 बार आराम से रिवाइज हो जाता है चार्ट बुक से। एक दिन के अंदर आप 20 या 30 बार रिवाइज कर सकते हो? हाँ, देखो ये सुनने में बहुत अजीब लग रहा है, एक दिन में आप 20 से 30 बार आप चार्ट बुक से रिवाइज कर सकते हो, ये लेकिन कम्प्लीटली इम्पॉसिबल था इनकेस आप नॉर्मल टेक्स्ट बुक से स्टडी करते। लेकिन एक और आता है, सर आपने इतना शॉर्ट कर दिया तो आपने उड़ा दिया होगा, राइट? तो इसके बारे में कौन ऐड करेगा? सर, जो चार्ट बुक है उसमें ऐसा कुछ नहीं, मतलब इन डिटेल होता है, बस उसके हेड पॉइंट अगर दिए हो गए लेकिन उसका अंदर का जो कंटेंट है वो बहुत डिटेल में समझाया जाता है मैम से हो या आपसे हो, जिसके वजह से प्रॉब्लम नहीं होती और कुछ भी उसमें से कुछ भी मतलब कुछ भी गायब नहीं होता, सब कुछ होता है उसमें। अच्छा, आपका कहना है कि सब कुछ इन डिटेल उसमें कवर किया जा रहा है, तो एक काम करते हैं और वहाँ से कोई ऐड करना चाहेगा, मैं आपके पास माइक पास ऑन करूँ, एनीवन? चलो, तो ये आपका कंक्लूजन निकल रहा है कि या मे बी जितना आप लोग ने भी बताया है अभी शाय कर रहे हो आप माइक के सामने, लेकिन एक चीज़ समझ में आ रही है कि यदि थ्योरी लेक्चर नहीं लगाते तो एक जिंदगी की सबसे बड़ी गलती होती। कौन कौन एग्री कर रहा है? जो लोग थ्योरी है रेज योर हैंड, दैट्स ग्रेट, रियली लव आपका प्यार देख के बहुत अच्छा लग रहा है। आज आप अपने जूनियर्स को क्या कम्युनिकेट करना चाहोगे? क्या आपको थ्योरी लेक्चर लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए? जनरली एक सेकंड वेट करते हैं, जनरली क्या होता है कि एक ट्रेंड बना हुआ है मार्केट में कि थ्योरी लेक्चर नहीं लगाना चाहिए, लेकिन आज आप अटेंड करने के बाद आप अपने जूनियर और आने वाले जूनियर्स को क्या बोलोगे, लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए? रेज योर हैंड अकॉर्डिंगली, रेज योर हैंड, कौन कौन बोल रहा है कि लगाना चाहिए? दैट्स ग्रेट, क्यों लगाना चाहिए ये भी बता दो। लगाना चाहिए लेकिन बहरे में लगाना चाहिए। लगाना चाहिए लेकिन बहरे में लगाना चाहिए, ओके। मार्क्स के बारे में कौन क्या बोलेगा? आपको भी क्या लग रहा था और किसका किसका पेपर बहुत अच्छा आप लोग को लग रहा है कि अच्छा हुआ है? बहरे में रिवीजन लेक्चर्स और सारे थियोरी के करके मार्क्स बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुए हैं,
पहले रिवाइज करने में सब कॉन्सेप्ट्स वगैरह बहुत टाइम लगता था, टेक्स्ट बुक्स थे और बहुत उसमें इन डिटेल वगैरह था, वो पढ़ने के लिए जाने के लिए उतना टाइम नहीं रहता एग्ज़ाम्स के पहले, पर वो स्मार्ट नोट्स ने और चार्ट नोट्स ने बहुत बहुत ईजी कर दिया मैम सर के एक्सप्लेनेशन से। अंदर का डिटेल तो पूरा याद रहता ही है, पर वो हेड पॉइंट्स में थोड़ी गड़बड़ हो जाती है, पर चार्ट बुक से वो भी सब हेड पॉइंट्स अच्छे से याद रहते हैं और मार्क्स बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो रहे हैं उससे। कितने स्कोर्स आ रहे हैं आपके अभी थ्योरी में सबके? SP में 76 है, OCM में 78 और इकोनॉमिक्स में 76। तो ये ऑन 80 स्कोर्स चल रहे हैं सर? हाँ ऑन 80। अच्छा एक चीज और होता है इसके बारे में कौन बोलेगा कि बहुत बार स्टूडेंट को होता है, अब नहीं होता क्योंकि आपने काफ़ी कुछ स्टडी कर लिया है, उसके बारे में भी आपने बहुत सारा टेस्ट दे दिया है। एक क्वेश्चन आता था, हम भी स्टार्टिंग में जब मैंने या कि हम मैम ने फैकल्टी ने बोला था आपको कि ये हमारा प्रॉमिस है आपको आंसर याद रहेंगे, लेकिन बहुत बार होगा कि आप क्वेश्चन भूल जाओगे, अब नहीं होता लेकिन ऐसा किसके किसके साथ होता था, आपको आंसर याद है और क्वेश्चन भूल जाओगे, इसके ऊपर कौन ओपिनियन देगा, एनीवन? स्टार्टिंग्स के एग्ज़ाम में ऐसा होता था कि रिवीजन इतने बार होते थे कि आंसर्स याद है पर क्वेश्चन क्या यही भूल जाते थे। अच्छा जैसे फैक्टर्स हो गए, डिटर्मिनेंट्स हो गए, एक्सेप्शंस हो गए, राइट, मिक्स एंड मैच हो जाते थे। और कोई ऐड कर रहा है? यस, तो फिर जो हेड पॉइंट्स है मेमोरी टेक्निक है उससे भूलते नहीं है, सीक्वेंसली याद रहता है। लेकिन आपके साथ भी हुआ है क्या कि आपको आंसर याद है और क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो रहा है? लॉन्ग आंसर में, लॉन्ग आंसर में ऐसा होता है कि इसी क्वेश्चन का ये आंसर है। यस ओके, दैट्स ग्रेट, आप लोग का ये प्यार देख के बहुत अच्छा लगा। सो आप अपने जूनियर्स को एक बार फिर से बता दो कि क्या रिकमेंड करोगे, थ्योरी क्लासेस लगानी चाहिए, वो भी कहाँ लगानी चाहिए, एक बार जोर से बताओ। थैंक यू सो मच।